नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है लुसेंट पब्लिकेशन की कंप्यूटर समान ज्ञान। दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बुक पब्लिश होती है। अगर हम इस बुक के कंटेंट को देखें तो हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बिल्कुल सेम कंटेंट है इस बुक में। मैं अभी आपको इसका कंटेंट चेक कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरह से आजकल सभी एग्ज़ामों में कंप्यूटर के क्वेश्चंस का महत्व तो बढ़ता जा रहा है, जीके का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी कंप्यूटर का पोर्शन पूछा जाएगा सूचना एवं विज्ञान तकनीकी के संबंध में। इसलिए दोस्तों, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में, और इसकी तैयारी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उन्हीं में से एक बुक लूसेंट की कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, जिसका हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं इसका कंटेंट क्या है। मैं आपको चेक करा दूं, इसकी विषय सूची देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है कंप्यूटर सामान्य परिचय, उसके बाद दिया है कंप्यूटर का विकास, उसके बाद दिया है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस, अगला चैप्टर है मेमोरी, उसके बाद है पर्सनल कंप्यूटर, उसके बाद है डिजाइन टूल्स तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं, उसके बाद जो चैप्टर है वो है डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली, इसके बाद सॉफ्टवेयर का चैप्टर दिया है, डेटा संचार दिया है, इंटरनेट दिया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कवर किया है इस चैप्टर में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कवर किया है एक सेपरेट चैप्टर में, और इसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप दिया है। अगर दोस्तों इंग्लिश की बुक की हम बात करें तो आपको सेम कंटेंट इंग्लिश की बुक में भी मिल जाएगा, इसलिए आप जिस भी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम हैं या इंग्लिश मीडियम हैं, आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं। इसका कंटेंट चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, पर्सनल कंप्यूटर, डिजाइन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, डेटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एब्रीविएशन रिलेटेड टू कंप्यूटर। तो दोस्तों, इन दोनों बुक्स में आप देखेंगे कि मटेरियल बिल्कुल सेम दिया है और सिर्फ भाषा का फ़र्क है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हिंदी की बुक की। मटेरियल आप देखेंगे बिल्कुल बेसिक दिया है और बहुत अच्छे से समझा के दिया है। छोटी सी बुक है, लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत बढ़िया है। आप देखेंगे टू कलर प्रिंटिंग है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है देखने में बुक। छोटी सी बुकलेट टाइप की है तो आपको इसको बहुत आसानी से इसको तैयार भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि इसके चैप्टर्स में मटेरियल किस तरह से दिया है। तो आप देखें इसको, इस तरह से डिटेल में मटेरियल दिया है। छोटी बुक ज़रूर है, लेकिन जो इसमें मटेरियल दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक से कवर किया गया है। आप देखें इस तरह से, साथ में हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। इस तरह से आप इस बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, मैंने जितने चैप्टर आपको बताए हैं उन सब के साथ इसमें भरपूर क्वेश्चन बैंक दिया है। जैसे ये पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सामान्य परिचय, तो इसमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन दिया है लास्ट 77। तो एक छोटे से चैप्टर में 77 क्वेश्चन भी साथ में दिए हैं। कंप्यूटर का विकास, या जैसे अगला चैप्टर है, आप देखेंगे यहाँ पे चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से सब कुछ विस्तार से यहाँ पे दिया गया है पढ़ने के लिए। और साथ में देखें इस तरह से कलर प्रिंटिंग के माध्यम से यहाँ पे इस तरह की टेबल फॉर्मेट भी दी है, चित्रों के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, और साथ में इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हैं। तो दोस्तों, इस बुक में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दिया है, और जिस तरह से आजकल एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह के इसमें क्वेश्चंस भी दिए हैं। हर चैप्टर में प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें मोस्टली क्वेश्चन हैं आए हुए क्वेश्चन कई एग्जामों में, तो आप इस तरह से आए हुए क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें कई एग्जामों के आए हुए क्वेश्चंस दिए हैं साथ में। तो दोस्तों, ये बिल्कुल पतली सी बुक है, आप देखेंगे बहुत पतली सी बुक है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसका MRP है मात्र 70 रुपीज, 70 रुपये। इसी तरह से अगर इंग्लिश की बुक की हम बात करें तो इंग्लिश की बुक का भी आप देखेंगे मूल्य वही है, 70 रुपये। तो इस तरह से ये दोनों बुक आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप जिस भी माध्यम के हैं,
लूसेंट की कंप्यूटर की बुक आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, इसी तरह की नई नई बुक के रिव्यू आप मेरे चैनल पर घर बैठे देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अंत में वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।